पर दूसरा बंदा भी है यहाँ पर और इसको जल्दी से क्लियर करते हैं और ये खत्म। और अब इस बंदे ने बहुत गंदा मार दिया, बहुत गंदा डैमेज पड़ा है मेरे को। और सामने भी एक बंदा है तो कोरोना लगा के हील करना ही बेहतर होगा, कोई भी रश कर सकता है एंड आई थिंक रश होने वाला है मेरे ऊपर। सबसे पहले भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। तो और भाइयों कैसे हो तुम सभी, एक बार फिर से खेलेंगे सोलो वर्सेस स्क्वाड वही फ्री फायर में एंड मैं उतर चुका हूँ पीक पे जो कि रेगुलर उतरता हूँ एंड उतरते ही मेरे को मिली फार्मस, मतलब नीचे उतरने के बाद, बिकॉज वहाँ ऊपर तो कुछ मेला नहीं था एंड एक फुटस्टेप आ रही है मतलब एक बंदे की और ये रहा वो बंदा एंड यहाँ पर फार्मस से हेड लगेगा क्या और यहाँ हेड नहीं लगा अबे शिट और यहाँ पर सोनिया कैरेक्टर ने मुझे बचा लिया वरना यहाँ पे तो मैं खत्म था, लगभग खत्म था बिकॉज तुम देख सकते हो मेरे को उसने मार ही दिया था। बट कोई नहीं, मतलब ऐसा होता रहता है मेरे साथ, मेरे को मार देते हैं बट मैं ऐसे बच जाता हूँ। इसलिए तुमको ये बोलता हूँ इस कैरेक्टर को लेके खेलो, काफ़ी बेहतरीन कैरेक्टर है। एंड मैं आ जाता हूँ पीक के दूसरी साइड और यहाँ पर मतलब बंदे नहीं दिखते, तो ये बंदा मेरे को दिखा था एंड ये गया हेडशॉट 131 एंड यहाँ पर ऊपर एक स्कैनर आ रहा है तुम देख सकते हो और उसमें देख सकते हो तुम दो से तीन बंदे अभी मार्क हो रहे हैं, मतलब तुम रेड जोन देख सकते हो वहाँ पर। सो सबसे पहले इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करते ही डायरेक्ट वहाँ चलते हैं बिकॉज वहाँ पर तीन बंदे हैं एंड बहुत सारे किल मिलेंगे। सो मैं किल के लिए आ जाता हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरे को बंदे दिखते नहीं है और तुम देख सकते हो अब आगे की तरफ बंदे हैं, मतलब ये लोग रिवाइव करने जा रहे थे किसी को। और ये गया पहला नॉक और इसको क्लियर करते हैं, सबसे पहले क्लियर हो चुका है एंड वो दूसरा बंदा एंड ये यहाँ पर हेड लग चुका है यहाँ पर और दूसरा बंदा भी क्लियर। क्या बात है, और यहाँ पर अभी बहुत सारे बंदे हैं और ये देखो ये बंदा तो ऊपर आ रहा था बट ये भी गया, कोई बात नहीं इसको भी नॉक करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर एक और बंदा है एंड ये लगा मतलब बेहतरीन हेड के साथ, इसको भी खत्म कर दिया है और क्लियर करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे। यहाँ चार पूरी स्क्वाड वाइप हो गया आई थिंक, बिकॉज यहाँ पर ज्यादा बंदे तो थे नहीं, मतलब चार ही बंदे थे ना एंड वहाँ पर एक बंदा भी नॉक पड़ा है तो उसको क्लियर करते हैं इससे पहले कोई किल चुरा ले। एंड यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या, सामने एक और बंदा आ चुका है और इस बंदे को अभी बताना पड़ेगा, मतलब हेड मारा है इसने मेरे को एंड ये बचेगा तो नहीं, उससे पहले मैं हील कर लेता हूँ बिकॉज यहाँ पर एच पी होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी स्क्वाड फाइट में। और ये दूसरी स्क्वाड आ गया आई थिंक एंड यहाँ पर डुओ है, सॉरी स्क्वाड नहीं है डुओ है, दो बंदे आए कहीं और के और इसको क्लियर करते हैं। चलो ये तो गया, अब वो बचा अकेला बंदा जो मेरे को हेडशॉट मार रहा था कब से। अब इसको बताता हूँ खेलते कैसे हैं, मतलब अब इसके ऊपर रश मारेंगे डायरेक्ट, शायद से नेट कुक कर रहा होगा मेरे को, हाँ जैसे कि मुझे पता था नेट कुक कर रहा है। और अब ये निकलेगा बाहर और हेडी हेड, मतलब मजा आ गया, ये 84 के हेड मार के काफी ज्यादा मजा आया। तो इसी बात पे जितने भी बंदे देख रहे हो ना सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बाकी तुम्हें पता ही है कैसे करते हैं एंड यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। मेरे को लगता नहीं कि यहाँ पर और भी कोई बंदा है बिकॉज सारे बंदों को तो क्लियर कर दिया, यहाँ पर करीब 6 बंदे मार दिए मैंने एंड अभी यहाँ पर और भी 27 बंदे 27 बंदे अभी भी अलाइव बचे हुए हैं एंड तुम देख सकते हो सामने कोई रिवाइव कर रहा है, मेरे को तो दिख गया होगा रिवाइवल पॉइंट, क्या तुम्हें दिखा, तुम्हें भी दिख गया होगा। तो चलो वहां पर चलते हैं एंड देखते हैं कौन है जो रिवाइव कर रहा है, मतलब मेरे रहते हुए। तो यहाँ पर मैं जैसे ही पहुंचता हूँ ना एक बंदा यहाँ से भाग जाता है और यही बालकनी में खड़ा था तो मैंने उसको चेज करा बट वहाँ से भाग गया। अब मेरे को पता नहीं वो है कहाँ पर एग्जैक्ट, बट है आसपास ही है कहीं पे और शायद यहाँ से दिख जाए मेरे को। और वो देखो वो बंदा वहाँ पे जाके छुपने की कोशिश कर रहा है लेकिन अब ये छुप नहीं पाएगा बिकॉज मैंने इसको देख लिया एंड अब ये बाहर निकलेगा और यहाँ पर हेड ही हेड, मतलब मजा आ गया, ये हेड मार के मजा आ गया। और यहाँ पर क्लियर कर देंगे सबसे पहले तो लेन नाम करके कुछ बंदा था और अभी भी शायद यहाँ पर और भी बंदे हैं, मेरे को फायर आ रहा था कहीं से और तुम देख सकते हो वो रहा बंदा बैठा हुआ है एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ, क्या वहां से निकलेगा ये बंदा। एंड यहाँ पर इसको मतलब डैमेज नहीं पड़ा और शॉकिंग था बट कोई बात नहीं, उसको ढूंढते हुए मैं इधर आया वापस से, मेरे को लगा ये लूट कर रहा होगा बट यहाँ पर भी नहीं था ये बंदा और कहाँ हो सकता है। और ये देखो ये खड़ा है और यहाँ पर हेडशॉट ही हेडशॉट, मतलब मेरे को तो लगा कि मतलब MP40 है बट कोई नहीं, यहाँ यूजी से ही लगा लेकिन काफी बेहतरीन हेड लगा। तो इसी बात पे जितने भी बंदे देख रहे हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर मेरे साथ खेलना चाहते हो तो मेरी UID तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, सो वहां से रिक्वेस्ट भेजना, साथ में खेलेंगे बिकॉज यहाँ पर मेरे पास भी कोई ज्यादा बंदे है नहीं। और यहाँ पर फायर आता है मेरे को ऊपर से, पता नहीं कहाँ से मारा लेकिन उसने मारा जरूर है एंड अब उसने मारा है तो उसको चेस करते हुए हमें जाना होगा, मतलब उसको ढूंढना होगा। सो अभी इसको बताता हूँ मैं बिकॉज एक बार मेरे को दिख जाए, मेरे को दिखा नहीं है अभी तक। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। आई थिंक ऊपर की साइड पे है, सो यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी तो खड़ी है, चलो इसको लेकर चलते हैं एंड देखते हैं कहाँ पर है वो बंदा। तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता हूँ उस बंदे को ढूंढते ढूंढते, लेकिन वो बंदा तो नहीं दिखता है लेकिन कुछ बंदे यहाँ पर फाइट कर रहे हैं, तुम देख सकते हो आवाज़ तो आ रही होगी तुम लोगों को भी, मेरे को भी आ रही है। और ये देखो यहाँ पर इसको ठोकर लगेगी क्या, और यहाँ पर इसकी एक्सीडेंट तो नहीं हुआ लेकिन ये नॉक हो चुका है, पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन इसका किल ले लेते हैं सबसे पहले तो। और अब देखो मेरे को फायर आ रहा है, आई थिंक वहाँ पर दो बंदे हैं, एक बंदा तो फायर कर रहा है और यहाँ पर हेड ही हेड, और ये दूसरा फायर भी आ रहा है मेरे को इससे पहले कि वो मेरे को मार दे, मुझे मार रहा होगा। और यहाँ पर इतना तो डैमेज दिया लगा क्यों नहीं उसको, और यहाँ पीछे से भी फायर आ गया, मीन्स पीछे भी बंदा है और यहाँ मैं फंस चुका हूँ, आई थिंक मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मेरे को यहाँ से निकलना होगा सबसे पहले तो। और यहाँ पर मेरे पास वॉल तो है, वॉल लगाते हैं और जल्दी से घर के अंदर पहुँच चुका हूँ मैं
एंड अब यहाँ पर फायर तो आ रहा है बट कोई नहीं, अब मैं सेफ हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर कौन मारता है मेरे को, बिकॉज बहुत देर हो गई थी और सिर्फ मेरे को ही बंदे मारे जा रहे थे, मैं किसी को नहीं मार पा रहा था। एंड अब यहाँ पर मजा आएगा बिकॉज यहाँ पे मैं घर में आ चुका हूँ एंड आसपास बहुत बंदे हैं, तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। और ये पहला बंदा गया हेडशॉट और ये दूसरा बंदा खड़ा क्या है, मतलब देख क्या रहा है यहाँ पर ये, और ये बेहतरीन हेडशॉट। और ये दोनों तो गए एंड अभी और भी बहुत बंदे हैं। इधर वाला बंदा मार रहा था मेरे को और ये बंदा है कहाँ पर मेरे को दिख जाए बस एक बार, लेकिन यहाँ पर मैं ज़्यादा आगे भी नहीं जा सकता बिकॉज यहाँ पे बहुत बंदे हैं, कोई भी कहीं से भी फायर कर सकता है। शायद वहाँ पे है बंदा नहीं है एंड फुटस्टेप आ रही है मेरे को, शायद से कोई ऊपर आ रहा है मेरे ऊपर, शायद से वो ट्राई कर रहा है वॉल से कूदने की, मतलब प्रॉपर वॉल तो नहीं लगाई थी मैंने। और हाँ, तुम देख सकते हो ये रेड साइन आ गया, मतलब कोई तो आ रहा है। तो चलो थोड़ी सी कैंपिंग करते हैं एंड इसको बताते हैं आने दो एक बार इसको। और ये बंदा आ चुका है और हेड ही हेड खत्म, मतलब ये बंदा क्या सोच रहा था। ये बहुत पुरानी ट्रिक है लेकिन आज भी काम आती है, मतलब ऐसे वॉल लगाते ना तो बंदे फंस ही जाते हैं। और यहाँ पर मैंने वॉल लगा ली अपनी, पता नहीं क्यों लगाई बट लगा ली, लेकिन यहाँ पर नीचे भी काफी सारे बंदे हैं तो मैं यहाँ घूम नहीं सकता, मतलब ऐसे बिंदास, तो ऊपर रहना ही सेफ रहेगा। तो मैं ऊपर आ जाता हूँ दोबारा से और ये बंदा अभी भी नॉक पड़ा था बट यहाँ क्लियर हो चुका है। एंड अब शायद इसके टीम पार्टनर भी आते होंगे बिकॉज बहुत छोटा जोन होने वाला है और यहाँ फाइट होने वाली है बहुत भयंकर शायद से। और यहाँ ये बंदा जा कहाँ रहा है, और ये बंदा कहाँ से आ गया, अबे ये बंदा कहाँ से आया, लेकिन मतलब गन लेके आ गया ये बंदा ऊपर की साइड, पता भी नहीं लगा, मतलब कुछ भी होता है यहाँ पर। एक टाइम को मेरी हलक में आ गई थी, अगर ये बंदे के पास अच्छी गन होती तो शायद ये मेरे को मार देता, वो तो अच्छा है बॉट सा था बंदा इसलिए मैंने जल्दी से मार दिया, वरना ऐसे मतलब हलक में आ जाते। पता नहीं बंदे कैसे आ जाते हैं, टेलीपोर्ट है क्या है पता नहीं, कुछ भी हो जाता है इस गेम में। जब से मैंने गेम छोड़ा है तब से मतलब मेरे को दोबारा से खेलना आ ही नहीं रहा ये गेम। और ये बंदा यहाँ पर, दूसरा बंदा भी है यहाँ पर, और इसको जल्दी से क्लियर करते हैं। और अब इस बंदे ने बहुत गंदा मार दिया, बहुत गंदा डैमेज पड़ा है मेरे को। और सामने भी एक बंदा है तो कोरोना लगा के हील करना ही बेहतर होगा, कोई भी रश कर सकता है एंड आई थिंक रश होने वाला है मेरे ऊपर। सबसे पहले ऊपर भागते हैं और तुम देख सकते हो जैसे कि मैंने बोला था रश होने वाला है, और ये बंदा शायद से ऊपर जाएगा बट कोई नहीं, इसको दोबारा छोड़ेंगे नहीं। और ये बंदा खड़ा हो गया वहाँ पे बट कोई नहीं, ऊपर की साइड आ, एक बार ऊपर की साइड आ तब बताता हूँ इसे। लेकिन ये बंदा कर क्या रहा है, ये बंदा रिवाइव कर रहा था बट कोई नहीं यहाँ पर। चलो ये भी गया और इसके पार्टनर का भी किल ले लेते हैं यहाँ पर, दो किल तो एक्स्ट्रा मिल गए मेरे को यहाँ पर। अभी भी बहुत सारे मतलब 12 बंदे अलाइव, बहुत छोटा जोन है, ठीक है। मेरे किल देख सकते हो यहाँ पर तुम लोग, 19 किल हो चुके हैं मेरे एंड अभी भी यहाँ पर टोटल 11 बंदे अलाइव बचे हैं, मतलब इतने छोटे जोन में इतने ज्यादा बंदे अलाइव बचना काफी बेहतरीन बात है एक तो। और ये बंदा दोबारा से मेरे को दिख गया जो बंदा मेरे को मार रहा था, और अब इसकी वॉल तोड़ के इसको मारेंगे, क्या मैं इसको मार पाऊंगा। 28 का डैमेज और यहाँ पर ही नीचे की साइड तो आ गया, लेकिन ये जा कर रहा है, हेडशॉट लगा इसको एंड अब ये भागने की ट्राई कर रहा है, लेकिन ये भाग तो पाएगा नहीं, ये भाग नहीं पाएगा और मेरे को भी डैमेज आ गया, अब मेरे को भागना पड़ेगा। मतलब कुछ भी होता है, कोई भी किसी को भी मारता है। और ये दूसरा बंदा आया और यहाँ पर ये भी क्लियर, पता नहीं ये बंदा यहाँ पर कहाँ से आ गया था लेकिन आ गया था एंड इसने मेरे को किल दी थी जो कि काफी बेहतरीन बात है। यहाँ मेरे हो चुके हैं 20 किल टोटल एंड अभी जोन छोटा हो रहा है तो यहाँ पर मेरे को निकलना पड़ेगा एंड जोन काफी छोटा हो चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर मैं आ चुका हूँ एकदम नीचे की साइड पे और शायद यहाँ आसपास एक बंदा है जो कि जिसकी फुटस्टेप आ रही है मेरे को, आई होप तुम्हें भी आ रही होगी। और ये बंदा कहाँ जा रहा है, हेड ही हेड लगे बट ये मरा क्यों नहीं। अबे दूसरी बार बंदा बच गया, मतलब यार पिछली बार भी इसको मैंने मारा था और इस बार भी ये बच गया बंदा, बट कोई नहीं। आगे यहाँ पर 7 बंदे अलाइव है, यानी कि एक स्क्वाड हो सकती है आगे की साइड पे। और यहाँ पर मैं वॉल लगा के जाता हूँ, मतलब ये बंदा मेरे को आगे जाने ही नहीं दे रहा, अब मेरे को हील करना होगा इससे सबसे पहले, तो यहाँ पर बच के जाना होगा और अब ये शायद मेरे को जाने नहीं देगा। एक वॉल, दो वॉल और आगे आगे ही खड़ा है, पीक लेके खड़ा है बंदा। और अभी यहाँ पर टोटल 5 बंदे बचे इतने छोटे से जोन में एंड मेरे को सेफ खेलना होगा बिकॉज यहाँ पर वो बंदा मेरे ऊपर पीक लिए जा रहा है एंड ये जोन भी काफी ज्यादा परेशान कर रहा है मेरे को। इसको हेड लगेगा क्या, हेड तो नहीं लगा, एक ग्रेनेड करते सबसे पहले एंड उसके बाद मेरे को आगे जाना होगा। इसने भी ग्रेनेड करा बट कोई नहीं, यहाँ पर मैं बच गया। और ये दूसरा बंदा फिर से आ गया, मतलब ये वही बंदा है जो पीछे से आया था, शायद अकेला है ये बंदा। और यहाँ पर नॉक, और ये दूसरा बंदा भी यहीं पर है और इसने मेरे पर रश मारा और MP40 का हेड, लेकिन इस बंदे को किसी और ने मार दिया, शायद नीचे से किसी ने मारा है। हाँ तुम देख सकते हो वो मेरे ऊपर पीक ले रहा है, क्या मैं इसको मार पाऊंगा। अब 1v1 की सिचुएशन है एंड यहाँ पर मेरी HP बहुत कम है यार, हेल्थ तो है नहीं। और यहाँ वॉल क्यों नहीं लग रही, अबे वॉल तो लग जा। अबे इसने मेरे को मार दिया, 3 सेकेंड और ये खत्म। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में।